स्टेज पर बुलाया और मैं आई नहीं, आई एम सो सॉरी। उसका ये रीज़न है कि ये सीढ़ियाँ अभी नहीं चढ़ सकती। कोई मसला नहीं मैम। तो कैफी साहब के साथ मैंने काम किया और उस वक्त मैंने उनके साथ काम किया जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, और जब मैं स्टूडेंट थी और कुछ बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस वक्त उनके साथ काम किया जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस मुल्क की मैं एक स्टार बनूंगी, या मेरे ख्वाब थे कुछ बनने के। तो आपके अब्बा हमेशा मुझे कहते थे कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जज्बा है, और वो कहते थे कि आप इस मुल्क आप बहुत नाम रोशन करेंगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगी। तो जब आपके अब्बा ये कहते थे तो मुझे यकीन नहीं आता था, मुझे लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे अब्बा के रूम में था आपका और बाबर अली का पोस्टर लगा हुआ था, जो मेरी जो स्टेप मदर है ज़ारा मैडम था, उन्होंने लगाया, तो वो आपको बस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो हमेशा वो एक कामयाब अच्छे डायरेक्टर था, उनको काम की समझ थी। और बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनको हमेशा मसाइल का सामना रहता है, और उनको काम करने नहीं पड़ पाता। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास टैलेंट होता है, और उनके लिए सबसे ज्यादा मसाइल पैदा किए जाते हैं। तो आपके अब्बा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैंने उनके साथ काम किया। उस वक्त तो मुझे काम की समझ नहीं थी, मैं नई नई फिल्मों में आई, मुझे ना डायरेक्शन का के बारे में कुछ पता था, ना मुझे कैमरे के बारे में कैमरे ना लाइटिंग की सेंस थी। लेकिन अब मुझे काफ़ी हद तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और समझती हूँ। सीखने का अमल तो जब तक आप दुनिया से आप कब्र तक ये अमल जो है ये आप सीखते रहते हैं। तो मुझे ना अब पता चलता है कि वो कितने बड़े डायरेक्टर थे और वो क्या कर सकते थे इस मूवी के, इस फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा असासा थे वो। और आपको बहुत मुबारक हो, आप एक नए सफर पर इस वक्त रवा रवा है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। सैयद हुसैन अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी माय ब्रदर, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, काम करने के लिए, और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे वकील साहब मेरे साथ आए हैं, मेरे लॉयर हैं, मेरे एडवाइज़र भी हैं, और बहुत शुक्रिया मैम। एक आप सर प्रॉमिस ले गया कि हमारे जो भी फिल्म में सलामतुल्लाह कौन है इसका आप हिस्सा बनेंगे और हमारे हमें जरूर फेस करेंगे इस फिल्म में, ऐसा काम करेंगे, ये हम कमिटमेंट ले रहे हैं आपसे। बहुत सी तालियां। और मैम आपके साथ हमारा प्रिज्म फाउंडेशन, जो हमारे ये फाउंडेशन हमने पिछला एक शो रिलीज किया है, लॉन्च किया है, ये आपके साथ जाएगा। और उसके अलावा ये प्रिज्म फाउंडेशन ही मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। और वन डॉलर शॉप, ये लाहौर में 8 ब्रांचें हैं हैदर राजमुल्तानी साहब की, और ये पायनियर हैं इस काम के लाहौर में, वन डॉलर कार्ड में जो है, तो ये उनका भी गिफ्ट आपके साथ जाएगा।